प्रवश नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। पश्चिम बुंदेलखंड और अवध के बाद अब यूपी का सियासी पारा पूर्वांचल की तरफ बढ़ चुका है और हमारी यूपी न्यूज की टीम भी पूर्वांचल की ओर रुख कर चुकी है। और आज हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश की सियासत का केंद्र बिंदु माने जाने वाले प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में। आज हम आपको बताएंगे प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या, जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, क्या वाकई में यहाँ बीजेपी अपने गढ़ को बचाने में कामयाब हो जाती है या फिर अखिलेश की साइकिल यहाँ भी रफ्तार बढ़ रही है। हम जानेंगे और आपको दिखाएंगे यहाँ की जमीनी हकीकत कि आखिर अयोध्या के वासी यानी प्रभु श्री राम के जो है भक्त आखिर क्या चाहते हैं और सियासत में इस बार क्या कोई उलटफेर होने वाला है या फिर भाजपा अपना गढ़ बचाने में कामयाब होती है। चलिए, हमारा ये चुनावी सफर आज शुरू करते हैं और दिखाते हैं कि आखिर अयोध्या में क्या है। धर्मनगरी अयोध्या के चुनावी सफर में हमारा ये कारवा, ये अयोध्या क्या ही ये सदर विधानसभा में आता है, ये पारा चौराहा शायद है यहाँ पर। और हम इस समय खड़े हैं, आप देख सकते हैं ये एक चौराहा है, एक ग्रामीण इलाका है। तो आप देखिए किस तरह से यहाँ पर चौराहे पे भीड़ है। हम लोगों से यहाँ पर जानेंगे, यहाँ देखिए तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर यहाँ पर माहौल क्या है। भैया, क्या माहौल है यहाँ का? भैया, पवन पाड़े का माहौल है। पवन पाड़े मतलब समाजवादी पार्टी के। अरे तो अयोध्या तो भैया धर्मनगरी, यहाँ तो बीजेपी बताती है कि हमारा गढ़ है। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं किए हैं। अच्छा। क्योंकि हम लोग बहुत पीड़ित हैं। जी, किन मुद्दों को लेकर आप लोग जा रहे हैं? इस बार वोटिंग है 27 तारीख को। किस मुद्दे के लेकर जा रहे हैं? यही है कि यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ है। अच्छा। अभी पर ये माझा के रास्ता है, यहाँ पर कोई विकास नहीं है, रास्ते सब एकदम टूटे टाटे हैं। जी, विकास का मुद्दा यहाँ भी हावी और लोग हैं। आ जाइए, ये बताइए क्या माहौल है यहाँ पर जो है आप? माहौल यहाँ समाजवादी पार्टी का है। वजह क्या है? वजह है विकास नहीं हुआ है और गाय और बछड़ों से बहुत दिक्कत किसान को है। भैया, योगी जी का ये गढ़ है, यहाँ भी सांडों से लोग परेशान है, तो यहाँ भी हालात यहाँ भी ठीक नहीं हुआ। ठीक नहीं है हालात यहाँ पे। अब योगी जी तो बताते हैं कि यहाँ पर भैया खूब विकास उकास कराए। कुछ नहीं किए हैं, कुछ नहीं किए, विकास कुछ नहीं हुआ है। विकास उकास कुछ भैया? कुछ नहीं, कोई नहीं। और तमाम सारे मुद्दे देखने को मिलते हैं हम लोग को कि जैसे सड़कों वड़कों के क्या हाल है? सड़क तो बहुत खराब हुई है, बहुत गड्ढे हैं। अच्छा। हाँ, टूट गई है सब। एक सवाल और वो बताते हैं, वो जो यहाँ पे दावा करते हैं कि धर्मनगरी अयोध्या है, राम जी का मंदिर बना दिया है इसलिए विकास हो गया है, कुछ ऐसा? मंदिर तो कोर्ट ने बनवाया है ना, वो थोड़ा ना बनवाए हैं, मंदिर जो है कोर्ट ने बनवाया है। इस बार जो है क्या होने जा रहा है अयोध्या प्रभु राम की नगरी में, क्या होने जा रहा है? चुनाव होने जा रहा है। प्रभु राम के जो राम राज्य है, राम राज्य के लोग, राम लला के लोग जो है किन मुद्दों पर जा रहे हैं वो? अब मुद्दा तो बीजेपी के पास कोई नहीं रह गया है। बेरोजगारी बहुत बड़ी मुद्दा है, नौजवान परेशान है इसके लिए, इनको जो है ना इसके लिए टाइम मिलता है ना इसकी जो है इसके लिए कोई बात करते हैं बेरोजगारी के नाम पर जो है। अब मंदिर का मुद्दा तो बना ही लिए हैं जो है, लेकिन जो बीजेपी के हैं वो बीजेपी को वोट देंगे, जो उसके हैं क्या बोलते हैं सपा के हैं उनको वोट देंगे वो जो है। भैया, एक चीज और बता दीजिए, समझदार है, पढ़े लिखे हैं, योगी जी पहले यहाँ से लड़े जाते रहे, अब तो गोरखपुर चले गए, वजह का है? वजह लोग ये कहते हैं कि यहाँ इनकी कमजोरी है, लेकिन दूसरे लोग ये भी कहते हैं कि वहाँ पूर्वांचल का जो है एरिया वो मजबूत करने के लिए वहाँ चले गए हैं। राम लला के जो लोग हैं उन पर विश्वास नहीं है का योगी जी का? अब विश्वास होता तो क्यों यहाँ होते? कुछ नहीं, विश्वास नहीं है उनका। अच्छा, इसीलिए गोरखपुर? हाँ, इसलिए गोरखपुर गए। अच्छा। हाँ, मतलब आकलन था क्या कि आप लोग जो है इस बार जो है कुछ और ही करने वाले? हाँ, समाजवादी में। तो भैया, विकास का मुद्दा अयोध्या की है, रामनगरी अयोध्या है, ऐसा नहीं यहाँ पर जो है धर्म ही शासन कर रहा है कि धर्म के नाम पर वोट गिरते, विकास का मुद्दा भी है। चलिए, ये दादा है, दादा हो ये बताइए क्या माहौल है आपके यहाँ? यहाँ उनके कुछ माहौल नहीं है। अच्छा, सपा का माहौल है? हाँ। तो आप यहाँ प्रधान उधान भी है? हाँ। तो प्रधान जी ये बताइए, जिस तरह यहाँ पर राम मंदिर का पूरा जिस पे सियासत करती है बीजेपी पूरे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश छोड़ो मोदी जी भी इसी पे सियासत करते हैं भाई, तो यहाँ के वासी क्या कह रहे हैं? सब वही कह रहे हैं। अच्छा। हाँ, साइकिल टोटल कह रहे हैं। अच्छा, सब साइकिल
अच्छा, अरे तो भैया जिंदाबाद तो है, इधर आओ भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद है। वजह क्या है, आप लोग यंग हो, यूथ हो, जिंदाबाद हो। अखिलेश यादव काम करेंगे, रोजगार भी देंगे। हाँ, योगी जी कहाँ देने को निरस्त हो गया हरदम। अच्छा, और का जो आके जो है खूब दर्शन करके खूब बताया जाता है कि हमने मंदिर बनवा। अच्छा आप लोग बताओ, अच्छा सीधा सीधा मंदिर में कितना काम हुआ, आप तो यहीं के बात। काम मंदिर में कुछ काम नहीं हुआ है अभी, उसकी आरसीसी की पिलंत जो है वही बन रही है बस, अभी उसके आगे कुछ हुआ नहीं। राजनीति से की जा रही है, मंदिर को ढाल बना करके अपनी जो है कुर्सी को सेक रहे हैं मोदी जी और योगी जी जी, और उनकी जो कार्यशैली से हमारे उत्तर प्रदेश की जनता असंतुष्ट है। ठीक है, वो जातवाद को भ्रमित करके मुस्लिम हिंदू में लड़ा करके अपनी कुर्सी को बचाना चाहते हैं, और हम लोग जागरूक हो गए हैं। इस वर्ष हम योगी की सरकार को गिरा के रहेंगे। तो भैया योगी की सरकार अयोध्या जो बीजेपी का गढ़ है, डंका पीटा जाता है पूरे देश में, लेकिन आप देख सकते हैं ये अयोध्या के वासी है। यहाँ कोई हमारा कोई, आप लोग हमको जानते हैं क्या? नहीं, पहले कभी मिले? नहीं नहीं, हमारा यूपी न्यूज का ये जमीनी सर्वे है, ये कोई पेड सर्वे नहीं है, ये जमीनी सर्वे है जिसमें आप देख सकते हैं ये अयोध्या के लोग हैं, आम लोग हैं, कोई दुकानदार है, कोई छात्र है, ये आम लोग हैं। आम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि अब की बार अखिलेश सरकार, अखिलेश जी की सरकार, यानी बीजेपी के गढ़ में भी साइकिल की रफ्तार बढ़ गई है। अच्छा एक चीज और बताइए, कोर्ट से जीतेंगे तेज नारायण पवन पांडे। अरे तो एक ला, अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ पर कितनी सीटें हैं और किसका पर? पांच सीटें, पांच की पांचों सीट समाजवादी पार्टी जीते, पार्टी की पांचों समाजवादी पार्टी। ये तो एक सुर में सिर्फ जो, अच्छा एक चीज और बताइए, योगी जी मोदी जी यहाँ पर आए, मंदिर का वो उसके लिए पूजा भी कर दिया, तो यहाँ पे माहौल बनाया गया जो लोगों को बताया जाता है अयोध्या वासी बड़े खुश हैं, तो कितने खुश भैया? पहले जाइए वहाँ देख लीजिए मंदिर का, मंदिर देख लीजिए क्या बनाई है। किसानों की जमीन को हड़पना चाह रहे हैं, मंदिर में हड़ने के लिए भी टिकट की आवश्यकता पड़ेगी, वो मंदिर नहीं धर्म के नाम पे व्यवसाय कर रहे हैं। ऐसे कमीनी सरकार को हटा के निकाल फेंकना है। सीसी ये हम लोगों ने ठान लिया है कि इस वर्ष बीजेपी की सरकार को हटाना है, वो कमीनी सरकार है, उसको गंदा सरकार है, ऐसे सरकार को हम लोगों की कोई जरूरत नहीं है। हमें अखिलेश को यूपी में लाना है, अखिलेश को जिताना है, अखिलेश लाना, नौकरी नहीं मिली आज तक, बेरोजगार जो है रोडों पे घूम रहे हैं, कोरोना महामारी में जा करके जो है लोग मर गए हैं, पुलिसों की लोठी खेने पड़ी, ऐसी कमीनी सरकार की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा एक बात और बताइए, वो कहते हैं योगी जी घूम घूम के मंचों पर बता रहे हैं कि अखिलेश राज जब आता तो गुंडागर्दी हो जाती है, ऐसा होता है? 100% गुंडे ये करा रहे हैं, गुंडे ये करा रहे हैं। बताइए हसरथ में ऐसा हत्याकांड हुआ है, बताइए उसके परिजन को, उसके शो को देखने के लिए नहीं, ये बताइए गुंडागर्दी नहीं है? बताइए मंत्री का लड़का जो है गाड़ियों से चढ़ा के कुचल दिया है, ये गुंडाई नहीं है? खाली अखिलेश सरकार में गुंडाई होती है? अखिलेश राज में विकास क्या का पैमाना क्या था यहाँ पर अयोध्या में? विकास उकास कुछ हुआ था उस समय अयोध्या में? जो ये सीवर लाइन बिजली है सब अखिलेश की देन है, सड़क जो चौड़ीकरण हुआ है सब अखिलेश यादव की देन है, सौंदर्यीकरण पूरा उन्होंने किया है। सब लोग बोलो मत। अच्छा तो और क्या क्या काम और किस वजह से नाराजगी? जैसे वो राम मंदिर की बात करते हैं, और तो कोई मुद्दा हमको नहीं समझ में आता कि वो इसी बात के, और रामलला के दरबार में हम हैं एक तरह से, उनकी धरती पर हैं। सबसे बड़ी उनका मुद्दा ये है उनकी चुनाव से हटने का, बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा है, और सभी किसानों के घर में सभी नौजवान लड़के हैं, सब परेशान हैं, बस वही रीजन है मेन मुद्दा जो है, किसी को ना नौकरी मिल रही ना निकाल रहे हैं नौकरी, ना ही सेना के ना ही और विभाग के, मेन बात यही है बस, और कोई बात। अब तो राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो क्या करने वाले हो आप? सर ये हम ये कहना चाह रहे हैं कि राम के नाम से वो वोट मांगते हैं, लेकिन हमें राम के मंदिर से भोजन नहीं मिलेगा, हमें व्यवसाय चाहिए, नौजवानों को नौकरियां चाहिए, जब तक हमें नौकरी नहीं मिलेगा हमको शिक्षा नहीं मिलेगी। बताइए बच्चे जो है स्कूल में पढ़ने नहीं जाने पाए, कोरोना लगा करके बच्चों की शिक्षा की जाए, भारत में उनकी हुकूमत करना चाह रहे, उनके एक साजिश है मंदिर को ढाल बना के जो है अपनी सरकार बनाना चाहते। मैं ऐसी सरकार को जो है निकम्मी सरकार की हमें आवश्यकता नहीं है। भैया देखा आपने, ये अयोध्या के वासी है, आम से नागरिक है यहाँ पर, ये पारा चौराहा है, यहाँ पर जो है हमने जब सर्वे किया तो अयोध्या के जो हालात हैं
वो बता रहे हैं कि इस बार अयोध्या यानी बीजेपी का गढ़ जहां से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन यही जो सर्वे हुआ जब पब्लिक तक पहुंचे तो पता चला यहां पर दाल नहीं गलेगी तो गोरखपुर पहुंच गए। लेकिन जिस तरह अयोध्या में लोगों के बीच गुस्सा है, मुद्दा राम मंदिर नहीं है, यहां पर राम मंदिर मुद्दा नहीं, यहां भी विकास का ही मुद्दा है, क्योंकि इनका कहना है कि राम मंदिर रामलला हम सबके हैं, लेकिन अगर पेट में रोटी नहीं होगी और खाने को नहीं मिलेगा तो फिर कैसे भजन होगा। तो चलिए जुड़े रहिए यूपी न्यूज के साथ। आपने देखा कि अयोध्या में हमारा ये चुनावी सफर था, अब यूपी न्यूज की टीम आगे बढ़ेगी और पूर्वांचल में बताएगी कि साइकिल की रफ्तार पकड़ रही है या फिर कमल खिल रहा है या हाथी क्या कर रहा है या फिर पंजा कितनी ताकत से आगे बढ़ रहा है। फिलहाल यूपी न्यूज पर चुनावी सफर जारी रहेगा और अगले जिले में हम फिर मिलेंगे और आपको दिखाएंगे कि वहाँ की तस्वीर क्या है। तब तक के लिए जुड़े रहिए और नमस्कार।